इसराइल के इलात हाइफा शहर पर मिसाइल अटैक, एक मिसाइल और ड्रोन ने एयर डिफेंस सिस्टम को दिया चकमा। लेबनान यमन से हमले की आशंका। लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्ला का इसराइल के मारगलियत इलाके पर बमबारी, इसराइली पोस्ट को नुकसान पहुंचाने का दावा। गाजा में हमास की 11 पोस्ट पर इसराइल के कब्जे का दावा, नाहल ब्रिगेड ने किया हमला। जनिन में आईडीएफ और हमास लड़ाकों की आमने सामने की जंग, सिलाट अल दहर शहर में झड़प। वेस्ट बैंक के रामल्ला में इसराइल का भारी विरोध, फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतरे हजारों लोग, कई जगह पर जलाई गाड़ियां। गाजा युद्ध में इसराइल को बड़ा झटका, 24 घंटे में 5 सैनिकों की मौत, जमीनी हमले में अब तक 46 सैनिक मारे गए। गाजा में 7 लाख लोग यूएन के स्कूल और शरणार्थी कैंप में रह रहे हैं, बिना ईंधन के लोगों की परेशानी बढ़ी। आईडीएफ का हमास की सुरंगों पर हमला, हमले में हमास की कई सुरंगें तबाह, आईडीएफ ने जारी किया हमले का वीडियो। गाजा में हमास लड़ाकों ने बिछाई बारूदी सुरंग, आईडीएफ ने लैंडमाइन को मशीनों से किया तबाह। हमास लड़ाकों का आईडीएफ पर हमले का नया वीडियो, रॉकेट लॉन्चर से किया हमला, इजरायली सैनिकों को बनाया निशाना। आईडीएफ का टियर गैस बॉम्ब से रिहायशी इलाके में हमला, कलंदिया कैंप में की छापेमारी, फिलिस्तीनी मीडिया ने किया दावा। यरूशलम के उत्तर पूर्व में शोफत कैंप पर इसराइल का भीषण हमला, भारी नुकसान की खबर। हिजबुल्ला ने उत्तरी इसराइल के रामोत नफ्ताली में आईडीएफ ठिकानों पर किया ड्रोन अटैक, वीडियो किया जारी। इसराइल का बड़ा दावा, अब तक हिजबुल्ला के 60 से ज्यादा लड़ाके मारे गए, हिजबुल्ला का भी कई इसराइली सैनिकों को मारने का दावा। उत्तरी लेबनान पर इसराइली सेना के भीषण हमले, हिजबुल्ला के ठिकाने को बनाया निशाना, भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया। लेबनान की तरफ से इसराइली सीमा में घुसा एयरक्राफ्ट, इसराइली वायुसेना ने एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट किया। हमास का बड़ा दावा, कहा एंटी टैंक रॉकेट और आईईडी के हमले कई बार इस्तेमाल से 22 इजरायली वाहन ध्वस्त किए गए। हमास की इजरायली पीएम को बड़ी धमकी, कहा नेतन्याहू का राजनीतिक करियर खत्म कर देंगे, इजरायल को घुटनों पर लाएंगे। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट की हिजबुल्ला को बड़ी धमकी, कहा बेरूत को गाजा बना देंगे। हिजबुल्ला चीफ नसरुल्ला की इसराइल के खिलाफ लंबी लड़ाई का ऐलान, नसरुल्ला ने कहा इसराइल से जीत का एकमात्र विकल्प लड़ाई है। इस्लामिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त बयान जारी, ओआईसी ने कहा गाजा में तुरंत सीज फायर हो, इसराइल को तेल न देने पर नहीं बनी सहमति। ओआईसी पर पीएम नेतन्याहू ने साधा निशाना, कहा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में हम पीछे नहीं हटेंगे, हमास के खात्मे और जीत तक जंग जारी रहेगी। गाजा के बेत हेनोन में इजरायली सेना की छापेमारी में हमास के हथियार डिपो का पता चला, छापेमारी में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। लंदन की सड़कों पर फिलिस्तीन के समर्थन में लाखों लोग उतरे, इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन किया, गाजा में तत्काल संघर्ष विराम की मांग की। इजरायल के तेल अवीव में बंधकों के परिजनों ने निकाला मार्च, बंधकों की तुरंत रिहाई की मांग की।